नंबर 7 डिवाइन सन के साथ मैं आपके साथ हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक इडियम है अबव ऑल, जो हमारी लास्ट लाइन ये थी, देखिए लास्ट लाइन कि अबव ऑल और सबसे बढ़ के ये वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें एक आईना डरावनी लगती है बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, चूंकि हमें नजर नहीं आती ऐसी कोई भी निशानी दैट लाइक लाइफ आवर ओन, कि हमारी जैसी जिंदगी जो है एग्जिस्ट पाई जाती है एनी वेयर किसी भी जगह इन इट इसमें एक्सेप्ट ऑन द अर्थ मास सिवाय जमीन के। अबव ऑल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे बढ़ के सबसे अहम। एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज अ वेल मैनर्ड एंड अ डिसेंट फेलो। ही इज अ वेल मैनर्ड एंड डिसेंट फेलो, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत अच्छे तौर तरीकों वाला बंदा, डिसेंट बहुत नफीस है। But above all, he is a gentleman. लेकिन सबसे बढ़ के एक वो शरीफ इंसान है। अब देखें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, his well mannerism, his decency and his gentleness, दो कैरेक्टरिस्टिक हैं his well mannerism, this is one characteristic of his personality of his characteristic and his decency is another, but most important than all these qualities of being well mannered and being decent is his quality of being a gentle, wo kya hai uski sharafat, isse badhke yani ki ye cheez sabse aham hai, theek hai na। We find the universe frightening because of immense distances, we find the universe frightening because of unimaginable stretches of time, we find the universe frightening because of its loneliness, but above all we find it frightening because the kind of life that we have on our planet is not found elsewhere in whole universe। Lekin ye factor, theek hai na, iska matlab kya hai, this reason of its for its bringing frightening is important of all the reason described above, कि ये जो वजह है इन तमाम वजूहात से ज्यादा अहम है जिनको पहले बयान किया गया। इसी बहाने से आज हमने idiom भी कर लिया है कि above all, सबसे बढ़ के ये, ठीक है जी। अब आ जाए बेटा जहां से हमने काम जो है वो इख्तिताम किया था, indeed यहां से बेटा, indeed यकीनन तौर पर for the most part ज्यादातर हिस्से में empty space is so cold, जो खाली खला है is so cold, वो इतनी ठंडी है that all life in it would be frozen, कि इसमें जो जिंदगी है वो जम जाएगी, that life in it would be frozen, most of the matter in space, और खला के अंदर ज्यादातर जो मादा है is so hot, वो इतना गर्म है as to make life on it impossible, most of the matter ज्यादातर जो मादा इन स्पेस खला में is so hot, वो इतना गर्म है to make life on it impossible, कि मादा अपने ऊपर जिंदगी को जो है वो नामुमकिन बनाता है। अच्छा दोबारा से, उसके बाद life does not seems to have any part in plan of universe, underline करेंगे ये question statement बनेगा, दोबारा देखेंगे, life does not seems to have any part in plan of universe, जिंदगी जो है does not seems to have any part, इसका कोई खातर ख्वाह हिस्सा नहीं है किसमें in plan of universe, इस कायनात के प्लान में, इस कायनात का जो ग्रैंड प्लान है, जो मंसूबा बंदी, उसमें जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। बेटा इसको स्टेटमेंट बना के पेश किया जाता है बात का, लाइफ डज नॉट सीम्स टू हैव पार्ट इन प्लानिंग ऑफ यूनिवर्स, इन जनरल प्लान ऑफ यूनिवर्स, लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी प्लान, एनी पार्ट in plan of universe, plan of
यूनिवर्स के कायनात का जो प्लान है, जो मंसूबा है, उसमें जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। ये किया जाता है कि डिस्कस क्या ना, इसको डिस्कस कीजिए। ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, एक दफा आपको क्वेश्चन आ चुका है कि जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं है। अब उसकी थोड़ी सी उसने वजह बयान की है, थोड़ा सा पीछे वाले लाइन को देखिएगा। कहता है कि इंडीड ज्यादातर हिस्से में, फॉर द मोस्ट पार्ट ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस, बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, वो जो ज्यादातर हिस्सा है, सो कोल्ड, इतना ठंडा, दैट लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि उसके अंदर जिंदगी जो है वो जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, और ज्यादातर मादा जो है खला में, सो हॉट, वो इतना गर्म है, टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि वो जिंदगी को अपने ऊपर नामुमकिन बना देता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे यही बात कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा इतना ठंडा है कि उसके ऊपर के वो दोबारा देखे गए लाइफ, मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस जो इज सो हार्ड, वो इतना बड़ा है टू मेक लाइफ इम्पॉसिबल ऑन इट। इंडीड मोस्ट एवरी एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, दोनों बातें, ज्यादातर मादा, मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट दैट इट मेक्स लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, एक वजह है, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट लाइफ इन इट विल बी फ्रोजन, दोनों वजूहात हैं। ज्यादातर खला इतनी ठंडी है, खला इतना ठंडा है कि जिंदगी इसके अंदर जम जाएगी, और जो मादा है वो इतना गर्म है कि उसके ऊपर जो है जिंदगी का ठहरना मुमकिन नहीं। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन प्लान ऑफ यूनिवर्स, कौन सी लाइफ की बात कर रहा है, विच प्रोड्यूस आवर प्लैनेटरी सिस्टम, वो लाइफ जिसने हमारा प्लैनेटरी सिस्टम पैदा किया, वो लाइफ जिसने हमारा इस सियारवी निदान को मार दे वजूद दिया, जिसने उसको जो है वो ये हमारा सियारवी निदान जिसने पैदा किया। येट कैलकुलेशन शोज और अदालत शुमार ये जाहिर करते हैं, क्या दैट द काइंड, क्या जाहिर करते हैं दैट, आज क्लिक बात नहीं बन रही, पता नहीं क्या लेक्चर में क्लिक नहीं हो रहा। चलें, कैलकुलेशन शोज अदाद शुमार ये जाहिर करते हैं, देयर कैन बी ओनली फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, कि क्या कायनात में ऐसे सिस्टम ना होने के बराबर, देयर आर वेरी फ्यू मीन ऑलमोस्ट नो, देयर आर नो सिस्टम सच सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, दो सिस्टम व्हिच कैन गैप बर्स्ट टू सच प्लैनेटरी सिस्टम, ऐसा निजाम जो सियारवी निजाम को जन्म दे सकते हैं, वो ना होने के बराबर है इन स्पेस खला में। येट लेकिन फिर भी सो फार अभी तक वी कैन सी लाइफ जैसे कि हम देख सकते हैं लाइफ ऑफ द काइंड, वो जिंदगी वी नो ऑन अर्थ, जिस जिंदगी को हम जमीन पे जानते हैं, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट, ऐसी जिंदगी सिर्फ सियारों पे पाई जा सकती है, लाइक द अर्थ, जैसा सियारा हमारी जमीन है। इट नीड्स, अब जिंदगी को क्या चीज की जरूरत है, इट नीड, इसको जरूरत है सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस, इसको अपने कायम रहने के लिए मुनासिब तभी हालात की जरूरत है। तरह क्वेश्चन की तरफ आए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय में क्या जो है शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, What in your opinion, आपकी राय में क्या है, should be the condition, वो condition क्या है, वो हालात क्या है, necessary for the kind of life, जो उस किस्म की जिंदगी के लिए जरूरी है, we know to exist on other bodies, जिनके हम मुतलक जानते हैं कि वो दूसरी heavenly bodies पे पाई जा सकती है, do such condition generally exist, क्या ऐसे हालात पाए जाते हैं। पहला पहली लाइन फिर देखिएगा, What in your opinion should be the condition necessary for kind of life? उस किस्म की जिंदगी के लिए कौन से तबीयी हालात हैं जो necessary for the kind of life? We know to exist on other heavenly bodies. वो जिंदगी जो दूसरी heavenly bodies में पाई जाती है, उसके लिए कैसे हालात की जरूरत है? Do such condition generally exist? क्या ऐसे हालात पाए जाते हैं? अब पूछ रहा है, What sort of physical condition does life require to sustain itself? What sort of physical condition are necessary for life to
सिस्टेन। किस किस्म के तबी हालात की जरूरत है जिंदगी को कायम रहने के लिए, सिस्टेन मीन सर्वाइव जी। तो इसी में इन लाइन में इसका आंसर है, आंसर क्या है कि इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, इसको मुनासिब किस्म के तबी हालात की जरूरत है फॉर इट्स अपीयरेंस, फॉर इट्स अपीयरेंस कह लें, फॉर इट्स सर्वाइवल कह लें, फॉर इट्स सस्टेनेंस इस कायम रहने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ व्हिच इज अ टेंपरेचर, उन तबी हालात में जो तबी हालात जिंदगी के कायम रहने के लिए जरूरी है उनमें सबसे अहम क्या है, टेंपरेचर, दर्जा रहमत। कैसा दर्जा रहमत, एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ऐसा दर्जा हरारत जिसमें अशिया सब्सटेंसेस जो मादा है इट कैन स्टे इन इट्स लिक्विड स्टेट, मादा अपने जो है वो माया हालत में कायम रह सके, ना तो इतनी गर्मी हो दैट इट मे इवेपोरेट इनटू एयर, नॉट इट शुड बी सो कोल्ड दैट इट मे मेल्ट, ना ही दर्जा इतना कम हो कि जितने माया है वो ठोस बन जाए, ना इतना ज्यादा हो कि जितने माया है वो गैसियस फॉर्म में आ जाए। तो Life needs suitable temperature. Life for its survival needs moderate temperature. देखे ना, a temperature at which substances can exist. Can exist in their liquid state. Liquid state, ऐसा टेम्परेचर जिसमें मादा अपनी माया हालत में कायम रह सके, ऐसे टेम्परेचर को मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर। अब क्या होगा, लाइफ इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट नीड्स डिफरेंट फिजिकल कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दोज कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज मॉडरेट टेम्परेचर, उनमें से सबसे अहम क्या है, मोतदल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। आगे फिर मॉडरेट किसने यही डेफिनेशन की है, क्या है मॉडरेट, क्या है अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट एट देयर लिक्विड स्टेट। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, द स्टार्स जो सितारे हैं देमसेल्फ, अब थोड़ी सी कुछ आपको बता दूं मिल्की वे के बारे में भी बता दूं, हमारी गैलेक्सी ऐसे करके स्पाइरल गैलेक्सी है, ऐसे करके कुछ है, ये स्पाइरल स्पाइरल बनाती है और अभी तक किसी को, ये इसका सेंटर है और ये उसके आर्म्स हैं, इस सेंटर को डिस्क भी कह रहे हैं, क्या ना, गैलेक्सी, जी ए एल ए एक्स वाई, गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, मुख्तलिफ स्टार्स की कलेक्शन जो है वो गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी कंटेन्स नॉट मिलियंस बट ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड इवन वेन दोज ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दे गेट टूगेदर दे मेक यूनिवर्स। गैलेक्सी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट, एंड इवन दैट बेसिक यूनिट यूनिट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ, ये बेसिक यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस, इवन बिलियन नॉट मिलियंस बट बिलियंस, बिलियंस ऑफ स्टार्स। और हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट हमारी, यू कैन नॉट गिव इट्स एग्जैक्ट लोकेशन दैट इट इज लोकेटेड इन आर्म्स ऑफ द गैलेक्सी, ये अंदाजा ही है, समवेयर यहां हमारी गैलेक्सी है और यहां कई सोलर सिस्टम है, कई सोलर सिस्टम चल रहे हैं, एक सोलर सिस्टम नहीं है, मैनी सोलर सिस्टम, अब मैं सोलर सिस्टम, ये देखिए कितने सोलर सिस्टम आ रहे हैं, कुछ सोलर सिस्टम भी हैं और कुछ अकेले स्टार्स भी हैं, इनमें से थोड़ा सा स्पेक है, ये हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, हम ये समझते हैं कि
यही कहा था आपने सोलर सिस्टम है, ये सिर्फ एक दाने जैसा है ये सोलर सिस्टम की, अगर हो सकता है आप उसको लोकेट करना जाए तो आपको ये मिलेगी ना जल्दी, इसको ढूंढना ही बहुत बड़ा, इट मस्ट बी अ जाइगेंटिक टास्क टू फाइंड योर ओन सोलर सिस्टम इनटू एंटायर मैस ऑफ योर गैलेक्सी। ये स्पाइरल कहलाती है, स्पाइरल की शक्ल में, गोले की शक्ल में, स्पाइरल, स्पाइरल शेप है, SPIRL, स्पाइरल शेप है स्पाइरल, और इसका नाम मिल्की, MILKY, एम बड़ा होना चाहिए, मिल्की वे गैलेक्सी, GALAXY गैलेक्सी क्यों है, जब इसको दूर से किसी सैटेलाइट से या पता नहीं जिस भी तरीके से देखा जाता है तो इसको इट लुक्स लाइक इट गिव्स मिल्क कलर, दूधिया कलर देती है इसको, इसकी मिल्की वे गैलेक्सी कह रहे हैं, ये हमारी गैलेक्सी है जिसकी थोड़ी सी शक्ल मैंने बनाने की कोशिश की है। अब इसमें स्टार्स, देखिए सितारे बहुत कम हैं, ठीक है, सितारों का तस्वीर इतना ज्यादा नहीं है, हमारे पास हैं और भी सितारे हैं, और भी सितारे भी निजाम है, अगर है तो वहां जिंदगी नहीं, तो स्टार्स, अब स्टार्स की डेफिनेशन क्या होगी, स्टार्स देमसेल्फ, स्टार्स बुझाते खुद, आर फार टू हॉट फॉर दिस, इस काम के लिए सितारे बहुत गर्म है, क्या कहना चाहता है, द स्टार्स दे आर टू फार टू सस्टेन लाइफ, लिखिए स्टार्स आर टू हॉट, इतने गर्म है टू सस्टेन लाइफ, दे आर टू हॉट टू सपोर्ट लाइफ, दे आर टू हॉट टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन देम, ये तो बहुत गर्म है, इन पर तो जिंदगी हो नहीं सकती, सूरज उनमें से एक है, और आप समझते हैं ये सूरज ही तो है वो, क्या कहते हैं, यही फैला हुआ है दुनिया में, इसकी हैसियत भी इस रेत के जर्रे से कम है पूरी कायनात के अंदर, ऐसे ट्रिलियन सूरज पाए जा रहे हैं इस कायनात के अंदर, यही आप वाला सूरज नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सबसे नियरेस्ट आपके ये सन है, और बड़े सारे सन है, जैसे हमारी गैलेक्सी को जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कहते हैं, एंड्रोमेडा, ANDRO, एंड्रोमेडा, MEDA, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा पंजाबी में नहीं, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी इंग्लिश, एंड्रोमेडा ये नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी, नियरेस्ट, NN, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ठीक है जी, अब पता नहीं कितनी एंड्रोमेडा जैसी कितनी मिलियंस एंड ट्रिलियन गैलेक्सी है जिसे कहा बनी एंड्रोमेडा नियरेस्ट, ये सन जो सबसे करीब आपको, ये भी इतने कितने लाइट ईयर्स लग जाते हैं इस तक पहुंचने के लिए, ये आपको सबसे करीब ये है, जो दूर है उनका हाल क्या, ठीक है जी, तो स्टार्स मींस सन्स, और ये आपको रात के वक्त जो तारे नजर आते हैं ये आपके सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, या छोटे छोटे स्पैक नजर आते हैं आपको, छोटे छोटे जो ट्विंकल्स, दो स्पैक दे ट्विंकल, दे कीप ऑन ट्विंकलिंग स्पेशली एट नाइट, ये सारे कहीं ये सूर्य से भी हो सकता बड़े हो सकते, तो स्टार्स देमसेल्फ, तारे बता देखो था टू हॉट और फार हॉट, टू फार टू हॉट, टू हॉट बहुत ज्यादा, टू टू का कॉम्बिनेशन, दे आर टू हॉट टू सस्टेन लाइफ, लेकिन स्ट्रक्चर देख लें थोड़ा सा ग्रामर का भी, टू हॉट टू सस्टेन लाइफ, टू हॉट टू सपोर्ट लाइफ, स्टार्स आर टू हॉट टू सस्टेन लाइफ, देखिए टू टू का कॉम्बिनेशन टू टू, इस टू के बाद क्या है एजेक्टिव, ए डी जे एजेक्टिव, ये टू के बाद वर्ब है, कितना ये वही स्ट्रक्चर है, ही इज टू वीक टू वॉक, ई ए टू वीक टू ना वॉक, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, टू टी डबल वाला टू उसके बाद इजेक्टिव, फिर सिंगल टी वाला, फिर वर्ब, है ना, स्टार्स आर टू हार्ड टू सपोर्ट लाइफ, यहां सपोर्ट कर ले, यहां सस्टेन लाइफ कर ले, सपोर्ट लाइफ, यहां टू मेक लाइफ, टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन देम,
they are too hot. अच्छा आवश्यकता लानी है for too hot. For लगा दे मतलब he is too weak to walk. He is for too से पहले for too weak to walk. Stars are for too hot to support. Life इतने गर्म है कि ये जिंदगी की हमायत नहीं कर सकते, ये जिंदगी को जन्म नहीं, जिंदगी को सपोर्ट नहीं कर सकते. अब स्टार्स की डेफिनेशन आनी है. वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर. हम उनके मतलब ये सोच सकते हैं दे आर लाइक कलेक्शन ऑफ फायर. ये आग के गोले हैं, ये आग के झुरमट हैं. दे आर लाइक कलेक्शन ऑफ फायर, ये आग के झुरमट हैं. कैसे? स्कैटर्ड थ्रू स्पेस. और ये वो आग के गोले हैं जो बिखरे हुए हैं इस फिजा के अंदर. दे आर लाइक बॉल ऑफ. अब ये देखिए स्टार्स की डेफिनेशन उसके नजदीक देखिए क्या है. स्टार्स आर लाइक सर कितनी जल्दी होगी 21 लाइक कलेक्शन ऑफ फायर. ये जो स्टार्स हैं दे आर लाइक कलेक्शन ऑफ फायर. कलेक्शन कर लें दे आर लाइक क्लस्टर्स ऑफ फायर. ये आग के गोले की तरह है. ये समझे आग के गोले हैं. स्टार्स की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्टार है. ठीक है. और बेटा इसी के साथ आहिस्ता से वाइंड अप कर रहे हैं. मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्ट करना है, इसलिए ये वीडियो यही हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.